नमस्कार स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट रहने वाली है जो दोनों ही आप लोगों के लिए जो है वो यूज़फुल होंगी। सबसे पहली बड़ी अपडेट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, महाविद्यालय की सत्र 2024-25 की कक्षा समय सारणी जो है वो भिजवाने संबंधित यहाँ पर पहली विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2024-25 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार जो सेमेस्टर वाइज पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है वो तैयार किए जा चुके हैं, आप लोगों को यहाँ पर बता दें, और शीघ्र ही उन्हें जो है वो वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और जब भी अपलोड किया जाएगा सबसे पहले हमारे ही चैनल पर, इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है वो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिस पर जो है वो सारी अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, तो जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। अतः समस्त प्राचार्यगण से अपेक्षा है कि वे अपने महाविद्यालय में सेमेस्टर के जो है वो अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर यानी UG और PG दोनों यानी कि BA BSc BCOM और MA MSc MCOM एवं अन्य जितने भी कोर्सेज हैं जो कि संचालित किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु कक्षा समय सारणी यानी कि जो उनकी मास्टर टाइम टेबल है उनका यथाशीघ्र तैयार कर जो है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है वहाँ पर ईमेल सूचना जो है वो भिजवाना सुनिश्चित करवाएं। ये यूनिवर्सिटी का सबसे पहला जो है वो अपडेट आप लोगों के सामने है। यहाँ सबसे पहली अपडेट होने के बाद में अब आप लोगों को जो है बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी की दूसरी बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं महाविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति जो है वो सुनिश्चित करवाने संबंधित जो है वो यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। आप लोग देख पा रहे हैं कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय यानी कि कोई भी कॉलेज हो उसमें जो है वो अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मिकों तथा जितने भी विद्यार्थी हैं अध्ययनरत, जितने भी विद्यार्थी हैं यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स की जो उपस्थिति है वो बायोमेट्रिक माध्यम से करवाई जानी अनिवार्य है। मतलब इस बार जो है सभी स्टूडेंट्स की जो उपस्थिति है वो हर कॉलेज में जो है वो बायोमेट्रिक तौर पर करवाई जाएगी। अतः उपयुक्तानुसार व्यवस्था प्रारंभ कर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय का जो है वो ईमेल जो है आप लोगों को भिजवानी है, सभी कॉलेजेस को जो है वो ये सूचना दी गई है। आई थिंक आप लोगों को दोनों बड़ी अपडेट्स जो है वो मिल गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों में कुछ सवाल रह गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।